उसके बाद इधर आएगा उससे सीधे जाइए। ओके, और इटेरी है ना वहाँ से ये राइट हैंड, राइट है उधर तो धरान जाएगा। अच्छा अच्छा, इधर विराट नगर जाएगा। अच्छा तो वो वाला ये इधर नहीं जाएगा नहीं, वो अपना काठमांडू नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये कितना किलोमीटर काठमांडू इधर लगभग, मुझे भी फिक्स नहीं था मैं नहीं गया। ओके भैया। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 05 वाइकर। और अब हम इटहरी से काठमांडू के लिए निकल गए हैं और आप देख रहे हैं नाइट हो गई है। जो लास्ट पार्ट था वो काफ़ी बड़ा हो रहा था इसलिए कल को फिनिश करा, और ये उसका नेक्स्ट पार्ट। इसमें टोटल नाइट राइड रहेगी, नाइट राइड मतलब इटहरी से लेके काठमांडू तक के जिधर तक भी, मतलब नाइट में जब हम नाइट स्टे करेंगे ना, कितने किलोमीटर तक हम गाड़ी चला सकते हैं वहाँ तक हम गाड़ी चलाएंगे, इसके बाद नाइट स्टे करेंगे। तो ये सफ़र है ना वहाँ तक का है, और नाइट में क्या क्या, मतलब एक दूसरे देश में नेपाल में ट्रेवलिंग करते समय नाइट में क्या क्या समस्याएँ आती हैं, वो आपको सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। वीडियो पूरा देखिएगा, इंजॉय करिएगा, और कुछ जो भी सीखने मिले उसको लर्न करिएगा, और मतलब एक नए नए सीन भी देखने के लिए मिलेंगे कि नाइट का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, डे का कैसा होता है। और एक नई जगह हम जब जाते हैं ना तो क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है, क्या क्या समस्याएं आती है, तो वो सारी चीज़ें इसमें दिखता है। तो लेट्स गो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। कहाँ से भैया, कहाँ से हो? इंडिया 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 कौन सा हो? इंदौर, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो गाइस कुछ इस तरह से दोस्त, नए नए दोस्त मिलते जाते हैं रोड पर, और ऐसे नए नए दोस्त बनते जाते हैं, नए नए सब्सक्राइबर्स जुड़ते जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब ऐसे नए नए दोस्त मिलते हैं रोड पर, रोकते हैं, हाय हेलो करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, भैया कहाँ से हो, किधर से हो, जानकारी लेते हैं और फ़ोटो क्लिक करते हैं और निकलते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है, एक थोड़ा अच्छा फील होता है। तो गाइस, इटहरी से काठमांडू का जो डिस्टेंस है वो 363 किलोमीटर है, और गूगल में बता रहा है 9.5 घंटे लगने वाले हैं। तो 9.5 घंटे की जर्नी है, अभी करीब 9 से 10 बज गए हैं, और देखते हैं कितने दूर तक जा सकते हैं। जिधर पे भी नींद आएगी वहाँ पर हम नाइट स्टे करेंगे, और मॉर्निंग में अपना जो ट्रेवल है वो कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस, नाइट में ट्रेवल करते हुए क्या क्या एंजॉय होगा, क्या क्या मज़े होंगे, क्या क्या परेशानी होगी, वो आप देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और वीडियो में बने रहिए। चले, ये है भाई कोसी नदी के पीछे टोटल मछली का मार्केट। यहाँ पे ताज़ी मछली मिल जाएगी, सारी ताज़ी मछली, और खाओ भी और पियोगे, दोनों सुविधाएँ यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो गाइज, ये है कुछ नाइट का नज़ारा इस टाइप से। तो चलते हैं आगे, और ये काफ़ी अच्छा ब्रिज था छोटा सा, हम आपको कुछ ही तो ये है कुछी नदी। नदी में भाई पानी बहुत सारा है, ये तो मज़ेदार, अगर दिन होता तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। ये सभी लोग यहाँ पे मछली पकड़ते हैं और वहाँ पर ताज़ा सेल आउट करते हैं। अगर कोई मछली खाने का दीवाना है तो कोसी रिवर के इस ब्रिज पर आ जाना, ताज़ा मछली खाने के लिए मिलेगी।
ओ भाई ये ब्रिज जो है ना काफ़ी बड़ा है, और लेफ्ट साइड पे पानी है। और यहाँ पे ड्रोन भी नहीं उड़ा सकते थे, उसका कारण ये था, कारण ये है कि बॉर्डर जो है ना पास में है, आर्मी एरिया। दिस इज अ लोकल पीपल, ये सभी लोग मछुआरे हैं, ये जो है ना ये सभी लोग मछुआरे हैं यहाँ के, अपने अपने घर जा रहे हैं रात में। कैसे दिया बाबू जी काला अंगूर? काला 400 रुपये किलो हैं, 400 रुपये किलो, 400 रुपये किलो। ये 200 रुपये किलो। अनार 300 रुपये किलो। एप्पल 200 300। वो वाला संतरा 200 200। दो सौ रुपये किलो भाई नेपाल के अंगूर पावर लिए। अंगूर का टेस्ट तो वही है सेम है, बट अंगूर तो अंगूर ही है मस्त। खाते हुए चलते हैं, एंजॉय करते हुए। दोस्तों अभी जस्ट फॉक्स ने रोड पार करा दौड़ते दौड़ते, रोड की हालत और भी ख़राब होती जा रही है भाई। हाय ब्रो, इंदौर से है? इंदौर 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 इंडिया इंडिया मध्य प्रदेश। YouTube चैनल सब्सक्राइब कर देगा। ओके थैंक यू। कहाँ जाना हो आप? काठमांडू। काठमांडू हाँ। ओके ये लो, ठीक है, थोड़ा रोड थोड़ा बन रहा है। यस आराम से जाओ, ठीक है। ओके थैंक्स। ओके ब्रदर। ओके 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 ओके। इस गांव के सब्सक्राइबर ऊपर मुलाकात करेंगे। अच्छा था, नहीं हल्का सा ड्रिंक करा हुआ था बट फ्रेंकली था, है ना। सो लेट्स गो, आगे चलते हैं। दिख रही है आपको फॉक्स भागती है? अच्छा यार कुत्ते पीछे भाग रहे थे उसके, वो गायब भी हो गई। फॉक्स के पीछे कुत्ते पड़ रहे थे। फॉक्स समझदार, फॉक्स फॉक्स होता है भाई, अब वो ढूंढते रह गए कुत्ते। बाहर आते ना तो चेयर पोस्ट लगा रहता है ताकि कुछ चीज़ इस टाइप से लकड़ी वगैरह सागौन वगैरह ये लेके तो नहीं जा रहे हैं इसलिए। तो गाइस रात काफ़ी हो गई है और अब आगे चल के देखते हैं, नाइट स्टे करते हैं, जो भी विलेज आएगा उस विलेज पे हम एक अच्छी सी जगह देखकर नाइट स्टे करेंगे और मॉर्निंग में फिर एक नए सफ़र के लिए निकल जाएंगे। गाइस अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।